नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकट टेप के वेबसाइट के बारे में। आप टिकट टेप का यूज कैसे कर सकते हैं, आप कैसे स्टॉक को फिल्टर करने में, इंडेक्स को व्यू देखने में, साथ साथ जो भी बल्क डील होता है, ब्लॉक डील होता है, मतलब जो भी डील होता है स्टॉक मार्केट में, इन सारे डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं टिकट टेप की वेबसाइट पे। दोस्तों एक जबरदस्त फीचर है टिकट टेप में, साथ ही साथ आप लेवल्स और टारगेट को देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट है उनका क्या व्यू है, कितना परसेंट एक्सपर्ट उसमें बाय का रेटिंग दिया है, कितना सेल का रेटिंग, क्या टारगेट होगा इस स्टॉक का, अगर अपसाइड जाएगा तो क्या टारगेट होगा, डाउनसाइड जाता तो क्या टारगेट होगा, तो ये सारी चीजें आप टिकट टेप की वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं। गूगल सर्च ब्राउजर में आपको टाइप करना है टिकट टेप। जैसे आप टिकट यहाँ पर टाइप करेंगे, टिकट टेप आपका नीचे आ जाएगा, टिकट टेप पर क्लिक करना है, फिर आपको ये जो फर्स्ट वेबसाइट होगा इस पर क्लिक करना है। जैसे फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं आपको ये टिकट टेप ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर देखें tickettape.in ये वेबसाइट का नाम आ गया। यहाँ पर बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं आपको देख सकते हैं, आज का जो टॉप गेनर टॉप लूजर है निफ्टी 50 के, वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। उसके बाद नीचे आता है यहां पर सर्च बार, इस सर्च बार में क्लिक करके आप कोई भी स्टॉक, इंडेक्स, ETF, म्यूचुअल फंड और कोई भी ब्रांड यहां पर सर्च करके उसका डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखते हैं हमने आज दो को सर्च किया है, रिलायंस इंडस्ट्री, रूट मोबाइल, तो यहां पर आप कोई भी टाइप कर लीजिए। जैसे हम TCS टाइप कर लेते हैं, तो जैसे हम TCS टाइप किए यहाँ पर आप देखते हैं टी से TCS, TVS, मोटर, TS, TMC सारे ओपन हो जाएंगे। सबसे ऊपर आपका TCS देखते हैं सर्विस लिमिटेड, तो यहाँ पर स्टॉक है और ये TCS ब्रांड है। आप ब्रांड में या स्टॉक में जिसके बारे में जानना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, तो हम TCS स्टॉक के बारे में सर्च करना चाहते हैं उस पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको सारा का सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम दिखेगा उस स्टॉक का, उसका यहाँ पर करेंट प्राइस, तो TCS का करेंट प्राइस है 2909 रुपीज। आज कितना अपसाइड हुआ या डाउनसाइड यहाँ पर दिख जाएगा, अगर ये आपका निगेटिव है, नीचे की ओर है, तो मतलब आज इसमें डाउनसाइड है, मतलब आज शेयर का प्राइस फॉल किया है। अगर ये अपसाइड है मतलब शेयर के प्राइस में आज मतलब अपसाइड देखने मिला है, मतलब प्राइस में जो है पॉजिटिव मोमेंटम था। कितना परसेंट से डाउन है वो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिख जाएगा, माइनस लगा हुआ है, मतलब आज ये 0.72% डाउन है शेयर का प्राइस। इसका जस्ट ये जो लेफ्ट साइड में आपको शेयर का प्राइस और नाम दिखा, यहाँ जस्ट है प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पर, बाय करना है या सेल करना है और यहाँ पर क्वांटिटी फिल करना है, शेयर का प्राइस यहाँ आपको दिख जाएगा। अब अगर अभी आपको बाय करना है तो बाय पर क्लिक करना है, जैसे बाय पर क्लिक करेंगे आपको अपना जो ब्रोकर है उससे लॉग इन करने बोला जाएगा, आपका जो भी ब्रोकर है, मैंने जीरोधा यहाँ चूज किया है, तो कंटिन्यू विद जीरोधा कह रहा है, आप अपना जीरोधा के साथ लॉगिन कीजिए और ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो आप यहां से डायरेक्ट जो भी स्टॉक यहां पर आप देखते हैं, अगर आपका जो भी एनालिसिस है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर अच्छा लगता है, तो स्टॉक को यहां से आप बाय भी कर सकते हैं। फिर यहां पर आप नीचे आएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा, जो करेंट प्राइस है स्टॉक का वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है या ज्यादा है। फिर रिटर्न वर्सेस एफडी, मतलब स्टॉक का रिटर्न जो एफडी के रेट से क्या है, ज्यादा है या कम, डिविडेंड रिटर्न मिल जाएगा यहां देखने, एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए इस स्टॉक का, फिर रेड फ्लैग है इस स्टॉक में या नहीं है, मतलब इस स्टॉक को बाय करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा नो रेड फ्लैग, तो यहाँ पर इस स्टॉक में कोई रेड फ्लैग नहीं, मतलब आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जैसे आप यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ओवरव्यू आपको देखने मिलेगा, फिर फोरकास्ट, फिर फाइनेंशियल, फिर पीर्स, मतलब पीर्स जो कंपैरिजन है वो देखने मिल जाएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स है, मतलब आईटी सेक्टर के, मतलब TCS जिस ग्रुप से है तो आईटी सर्विस ग्रुप से है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक्स है उससे कंपेयर करने मिल जाएगा। फिर इसमें होल्डिंग्स, प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, म्यूचुअल फंड कितना, FI क्या है, DI कितना है, और जो रिटेल इन्वेस्टर उसका होल्डिंग कितना है वो देखने मिल जाएगा। फिर यहाँ पर न्यूज, जो भी TCS से रिलेटेड न्यूज है उसको देख सकते हैं, इवेंट देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो कॉर्पोरेट एक्शन है, कब बोनस दे रहा है कंपनी, शेयर बायबैक कर रहा है, कब डिविडेंड दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ ओवरव्यू जो हमारा था, ओवरव्यू पर यहाँ पर आपको चार्ट देखने मिल जाएगा, चार्ट में आप 1 डे का रिटर्न, 1 वीक का रिटर्न, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स मैक्सिमम रिटर्न, सारे कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कोई अगर SIP करता है इस स्टॉक में तो SIP में रिटर्न क्या होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, SIP का रिटर्न ये है, तो सारे रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी दिन का आपका रिटर्न देखना चाहते हैं। फिर यहाँ पर
जो ऐसे फोरकास्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फोरकास्ट आ जाएगा। जैसे 45 जो एक्सपर्ट है उन्होंने इस पे राय दिया है, जिसमें से 49 जो है बाय का रेटिंग इसमें दिया है इस स्टॉक में। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो प्राइस फोरकास्ट है वो देखने मिल जाएगा। जो इसका जो अपसाइड है वो है 3,946 रुपीज़ तक, मतलब यहाँ से 1,000 पॉइंट जो है अभी भी ये हाइयर प्राइस तक जा सकता है TCS, जबकि करंट प्राइस है 2,900 और 3,900 तक ये जा सकता है हाइयर प्राइस का जो फोरकास्ट है जो भी एक्सपर्ट है। वहीं पर मीडियम जो इसका प्राइस का रेंज होगा वो 2,800 होगा और लो रेंज जो इसका बनेगा एक्सपर्ट के अनुसार, अगर मतलब यहां से प्राइस नीचे गिरता है तो 1,943 रुपीज़। और यहां चार्ट पे भी आप देखते हैं हाई मीडियम और लो रेंज इसका क्या होगा। फिर नीचे आते हैं तो रेवेन्यू फोरकास्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू का जो फोरकास्ट होगा हाई कितना तक जा सकता है, मीडियम कितना रह सकता है, और मतलब इसका रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो डिक्रीज में कितना परसेंट तक डिक्रीज हो सकता है। तो यहां पर रेवेन्यू फोरकास्ट देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट है। फिर यहां पर नीचे आते हैं तो अर्निंग पर शेयर का फोरकास्ट देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर का जो यहां फोरकास्ट बोल रहा है कि अर्निंग पर शेयर ग्रोथ होगा नेक्स्ट ईयर 3 ईयर्स का जो CAGR है, मतलब अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है 8.91% का, उससे कम रहने वाला है। मतलब इस बार निगेटिव में रहेगा अर्निंग पर शेयर 0.99% का। और यहाँ पर अगर मतलब एक्सपर्ट के एनालिसिस को बीट करता है तो अगर जंप होगा अर्निंग पर शेयर में तो उस 3% तक होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो 11% से अर्निंग पर शेयर में डिक्रीज हो सकता है। तो ये सारा प्राइस रेवेन्यू फोरकास्ट अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो तीसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पर फाइनेंशियल पर क्लिक करते हैं तो फाइनेंशियल पे यहाँ आकर के आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट है रेवेन्यू क्या रहा है, नेट इनकम कंपनी का क्या रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर यहाँ आप नीचे आकर के एनुअल रिपोर्ट कंपनी का देख सकते हैं और इसका PDF यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप कंपनी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर देख सकते हैं कंपनी जो अपने एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करती है। फिर यहाँ से आप बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में कंपनी का जो कैश फ्लो है, कंपनी का जो एसेट है और जो लायबिलिटीज है, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कैश फ्लो देख रहे हैं कंपनी का कैश फ्लो क्या है। फिर अगला ऑप्शन है पीर कंपैरिजन पर, पीर कंपैरिजन जाकर आप इन स्टॉक का पीर कंपैरिजन कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक इंफोसिस SCL टेक्नोलॉजी विप्रो इसके साथ कर सकते हैं। फिर इसका टेक्निकल इंडिकेटर क्या कहता है, कितना मतलब वोलेटाइल रहेगा, RSI क्या है, प्राइस का मूवमेंट रैंक क्या है किस स्टॉक का। फिर यहाँ पर फोरकास्ट देख सकते हैं कि 1 ईयर का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ का फोरकास्ट क्या है इसका, इंफोसिस का और SCL टेक का, विप्रो का, तो सारी चीजें देख सकते हैं। बाय रिकमेंडेशन कितना है, अपसाइड कितना तक जा सकता है सारे स्टॉक्स, तो काफी बेहतरीन साइट है। यहाँ पर आपको सारी की चीजें मिल जाएंगे स्टॉक के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आप बेसिक इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं। फिर यहाँ पर होल्डिंग्स में आप जो है प्रमोटर्स का होल्डिंग और डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसका होल्डिंग और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका होल्डिंग क्या है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर न्यूज स्टॉक से रिलेटेड कौन सा न्यूज़ है आप वो जान सकते हैं। फिर इवेंट्स में जाकर के आप डिफरेंट डिफरेंट जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसके बारे में जान सकते हैं, डिफरेंट कब दे रहा है कंपनी, जो बोनस और स्टॉक स्प्लिट कब है, कंपनी का जो अनाउंसमेंट है उसको जान सकते हैं और जो लीगल ऑर्डर्स है उसको जान सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया एक स्टॉक के बारे में आप जो ले सकते हैं। उसके बाद हम टिकर टेप के सबसे जो बेहतरीन फीचर है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो टिकर टेप आपको बाय साइड ऊपर के कॉर्नर में जो लिखा हुआ है इसके नीचे ये आपको देख सकते हैं इंडिकेशन दिया है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर स्क्रीनर पर आपको क्लिक करना है। फिर स्टॉक क्लिक करेंगे तो वही सर्च बार खुलेगा, ETF वही सर्च बार खुलेगा, इंडेक्स पर क्लिक करेंगे यही सर्च बार खुलेगा, जिसमें आप इंडेक्स को मतलब आप नाम राइट करेंगे, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, आपको जो भी करना है निफ्टी नेक्स्ट 50, तो उसको सर्च करके उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है स्क्रीनर, उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड और इन सब की बात नीचे करेंगे हम, ये जो चार इंपॉर्टेंट है इसके बाद बात में करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनर, इस पर क्लिक करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टिकर टेप का सबसे बेहतरीन फीचर है। जैसे आप स्क्रीनर पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है स्टॉक इन्वर्स, स्टॉक इन्वर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स आ जाएंगे। निफ्टी 50 में अगर आप इसके जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसको फिल्टर करना चाहते हैं, डेट फ्री कौन सा है या पी रेशियो के आधार पर आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 100, इसमें से
फिल्टर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 100 से करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, निफ्टी 500 अगर इससे आप कोई स्टॉक फिल्टर करना चाहते हैं तो इससे मतलब फिल्टर कर सकते हैं। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। आप कैसे फिल्टर करना है, आप देखिए यहाँ पर एड फिल्टर पर आप जाएंगे उससे कर सकते हैं, या दूसरा है मार्केट कैप, मार्केट कैप के आधार पर आप करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। अब निफ्टी 50-100 में अगर कोई स्मॉल कैप है मिड कैप है तो उस पर क्लिक करेंगे उससे भी हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्लोज प्राइस का आधार पर करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, आपको किस प्राइस रेंज का चाहिए, पी रेशियो के आधार पर चाहिए तो वो भी हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको पी रेशियो कौन से किस बीच से किस बीच वाले चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं, पी रेशियो जो होना चाहिए वो 0 से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 0 डाल दिया कि पी रेशियो जो हमारा वो 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो सारा स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट हो गया जिसका पी रेशियो 0 से अधिक है। उसके बाद आप जो भी फिल्टर लगाना चाहते हैं एड फिल्टर पर क्लिक करेंगे, जैसे एड फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, पहला जो फिल्टर है प्रॉफिटेबिलिटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर करना चाहते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगा दीजिए, रिटर्न ऑन एसेट के आधार पर चाहते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट लगा दीजिए, 5 इयर्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन पर करना चाहते हैं तो वो लगा दीजिए, जो भी लगाना है। तो सबसे पहला हम लिखा देते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगा दिए, रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमारा है कितना होना चाहिए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम हमारा 20 होना चाहिए, तो यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम क्या डालेंगे 20, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम यहाँ 20 डाल दिए, 20 से अधिक जितना भी हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी स्टॉक्स होगा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी उसका 20 से लेस नहीं होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सारे जो स्टॉक्स अब हमारा यहाँ निफ्टी 500 में से बचे हैं 40 स्टॉक्स यहाँ पर दिखा रहा है, और लर्न मोड पर क्लिक करेंगे तो और सारे स्टॉक्स आपको दिखाएंगे। तो लर्न मोड पर क्लिक करके आप देखते हैं सारे के सारे स्टॉक, सारा जो स्टॉक है ये उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है ग्रेटर देन 20। फिर एड फिल्टर पर क्लिक करेंगे और आपको नीचे चलना है प्राइस एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पर प्राइस और वॉल्यूम का कोई मतलब आपको पैरामीटर लगाना है फिल्टर लगाना है तो वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे के जो फाइनेंशियल रेशियो है इस फिल्टर पर क्लिक करते हैं, तो इसमें से हम सबसे पहला डेट टू इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो जो भी है आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हम रेशियो ही ले लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो पर क्लिक किए। अब डेट टू इक्विटी रेशियो आपको कितना से कितना के बीच चाहिए तो यहाँ पर नीचे क्लिक करते हैं, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो चाहिए हमें 0 से 2 उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पर डालेंगे 2 डालें, और 2 डालने के बाद आप बाहर कहीं पे भी क्लिक कीजिए। अब जो भी स्टॉक्स है वो आपका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 2 वाले हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर नीचे जाइए, अभी भी हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, मात्र 32 स्टॉक्स, मात्र आपके पास 32 स्टॉक्स बचा है। अगर आप और कोई पैरामीटर्स लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, फिर आपके पास और ज़्यादा मतलब फिल्टर होकर के कुछ कम स्टॉक्स बचेंगे। फिर ऐड फिल्टर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको ग्रोथ में से कोई फिल्टर लगाना चाहे उसको लगाना है, वैल्यूएशन पे चाहते हैं तो उसको लगा लीजिए, डिविडेंड यील्ड वर्सेस सेक्टर जो भी लगाना है, ऑनरशिप तो यहाँ पर देख लीजिए ऑनरशिप, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग जैसे है इसको फिल्टर लगाना चाहते हैं इसको लगा देते हैं। चलिए प्रमोटर्स होल्डिंग जो है हमारा वो कितना चाहिए 50% से लेस नहीं होना चाहिए, तो प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ लगा देते हैं कि जो हमारा 50% है उससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम डाल दिए प्रमोटर्स होल्डिंग मेरा 50% से कम नहीं होना चाहिए। आप देखिए कितना स्टॉक्स मेरे पास बच गया, 27 स्टॉक्स बच गया, देख सकते हैं 27। अगर हम इसको 60 कर देते हैं 50 को 60 हमने कर दिया, तो अब देखते हैं कितना स्टॉक बचा हमारे पास, 20 स्टॉक्स। तो इस तरह से आप जो है सारे स्टॉक को मतलब फिल्टर कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक कितना बेहतरीन है, और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को लगा करके आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर फिल्टर करने के बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करके उसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ अपना स्क्रीन का नाम दीजिए और आपने किस आधार पर फिल्टर किया है यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, और यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आप उसको सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव कर दिए आप, तो यहाँ पर न्यू स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नया स्क्रीन आ जाएगा, नया स्क्रीन में फिर से आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, और जो भी आप सेव करेंगे ऑल स्क्रीन पर जाएंगे वो सारा आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं मेरा सक्सेस प्लेस एक स्क्रीन सेव है, दूसरा IIT नाम से हमने सेव किया। तो इस तरह से आप सारा का सारे स्टॉक को यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से भी फिल्टर कर, ये तो आपने देखा इंडेक्स, आप किसी सेक्टर से फिल्टर करना है तो यहाँ पर सेक्टर पर जाएंगे और सेक्टर पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेक्टर आपको हेल्थ केयर से आपको फिल्टर करना है, हेल्थ केयर पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर लगाइए और स्टॉक सेलेक्ट हो जाएगा।
आप जैसे सेलेक्ट हो गया उसको न्यू स्क्रीन यहाँ पर जो होगा सेव कर देना है स्क्रीन नेम दे करके, और रिसेट ऑल पर क्लिक करके फिर से नया आप यहाँ पर जो है किसी सेक्टर से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नया सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं रिसेट ऑल करके। तो इस तरह से आप फिल्टर करते चलेंगे। तो ये हो गया। अब जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और फीचर है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर फिर से यहाँ क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखते हैं जो डील्स है जो इम्पोर्टेंट डील्स हुआ उसके बारे में जा सकते हैं। तो और यहाँ पर MMI पर क्लिक करके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं कि मार्केट का मोड अभी क्या है। तो मार्केट मोड इंडेक्स अभी जो मार्केट है हमारा वो ग्रिड जोन में है, और यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब कब ग्रिड में होता है कब मार्केट फेयर में है कब एक्सट्रीमली फेयर में है उसके बारे में जानना हो तो यहाँ पर पैरामीटर आप नीचे यहाँ सी ऑल जोन पर क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं जो भी इंडिकेटर हमारा दिया हुआ है अगर वो 30 से लेस है तो वो एक्सट्रीम फेयर में है, 30 से 50 है तो फेयर जोन में है मार्केट, अगर ये इंडिकेटर 50 से 70 के बीच है तो ग्रिड जोन में है, और 70 से अधिक है तो एक्सट्रीम ग्रिड जोन में है मार्केट। तो अभी मार्केट हमारा क्या है ग्रिड जोन में है क्योंकि ये 59.28 है जो कि 50 से 70 के बीच है तो ग्रिड जोन में है मार्केट, और जब ये 70 से अधिक हो जाएगा तो एक्सट्रीम गियर जोन में आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट मोड को जान सकते हैं। फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डील को देख सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डील हुआ है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कौन सा ब्लॉक डील हुआ है। देख सकते हैं 29 दिसंबर का आपको दिखा रहा है, फिर आप 30 दिसंबर का देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी स्टॉक का डील देखना है तो यहाँ स्टॉक का नाम डालेंगे, अगर आपको किसी मतलब नेम से सर्च करना है कौन सा डील हुआ है तो जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गया परंजु बिलियात हो गया उनके नाम से सर्च करना है तो यहाँ पर नेम डालेंगे। फिर यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है कि प्रमोटर्स का आप डील देखना चाहते हैं या इंसाइडर ट्रेडर का देखना चाहते हैं या एम्प्लॉय का डील देखना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप आप बाय ऑर्डर वाला देखना चाहते हैं या सेल ऑर्डर वाला तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर है टिकर टैप का, जैसे जैसे आप यूज करेंगे तो और बहुत सारे जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर है उसको देख मतलब सीख पाएंगे। फिर यहाँ पर लर्न पे क्लिक करके आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं टिकर टैप का जो ब्लॉग है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके सिवा और भी है यहाँ पर, जैसे आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर किसी स्टॉक को आप ऐड करके रखना चाहते हैं मतलब बास्केट में ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगला है वॉच लिस्ट, आप यहाँ पर वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं अपना। यहाँ वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं मेरा एक वॉच लिस्ट बना हुआ है टॉप नाम से, तो आप भी अपना वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरह से आप टिकर टैप को यूज कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।